तो भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता पवन सिंह ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। इसके बाद भोजपुरी फिल्मों की एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के आसनसोल से चुनाव लड़ने की चर्चा है। हालांकि इस बीच पवन सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से जाकर मुलाकात की और अपना पक्ष भी उनके सामने रख दिया। लेकिन पवन सिंह के चुनाव न लड़ने के फैसले के बाद से बिहार में सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। कुछ भी होगा हम आप लोगों से शेयर जरूर करेंगे। भोजपुरी फिल्मों के कलाकारों का सियासी प्रेम जग जाहिर है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सुपरस्टार राजनीति में काम कर रहे हैं, तो कई अपनी सियासी पारी शुरू करने की जुगत में लगे हैं। इस लिस्ट में पवन सिंह और अक्षरा सिंह का नाम भी शामिल है। लोकसभा चुनाव को लेकर शनिवार को आई बीजेपी की पहली लिस्ट में शामिल 195 उम्मीदवारों के नाम में भोजपुरी स्टार पवन सिंह का नाम भी शामिल था। पवन सिंह को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से उम्मीदवार बनाया, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। इसके बाद राजनीतिक बयानबाजियों का दौर तेज हो गया। इसी बीच सूत्रों से खबर ये भी आ रही है कि पवन सिंह के इनकार के बाद अक्षरा सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ सकती हैं। अक्षरा सिंह के पिता का बयान आया कि बीजेपी का फैसला सर्वमान्य होगा। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या पवन की जगह अक्षरा सिंह चुनाव लड़ेंगी। इस सवाल का जवाब जब मिलेगा तब मिलेगा। उसके पहले सोमवार को पवन सिंह ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और अपना पक्ष रखा। अध्यक्ष जी से हमारी बात हो गई, हमने अपनी बात रख दी है, आगे जो भी होगा अच्छा होगा। अब ये समय बताएगा, थोड़ा चुनाव लड़ेंगे, कुछ भी होगा हम आप लोगों से शेयर जरूर करेंगे, अभी थोड़ा होल्ड रखें। अब पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से मना क्यों किया ये तो वही जानते हैं। फिलहाल पवन सिंह के इनकार के बाद बिहार में राजनीतिक माहौल गर्म है। बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में जो जनता का आक्रोश है, अब उसका एहसास बीजेपी के उम्मीदवारों को भी होने लगा है। आज की तारीख में भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने से लोग डर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि जनता के बीच जाएंगे तो जनता 10 साल का हिसाब मांगेगी, पूछेगी बताओ आपने क्या किया है देश के लिए, क्या जवाब देंगे ये लोग। पवन सिंह की उम्मीदवारी वापस लेने के बाद इंडिया अलायंस की तरफ से किए जा रहे वार पर एनडीए नेताओं ने पलटवार किया है। में इतना बड़ा क्या हो गया? लोकतंत्र में कई बार ऐसा होता है कि उम्मीदवार निजी कारणों से या किन्हीं अन्य कारणों से चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। कौन चुनाव क्यों नहीं लड़े ये तो वही बता सकते हैं। पवन सिंह भोजपुरी के बड़े फिल्म स्टार हैं, उन्हें पावर स्टार भी कहा जाता है। पवन सिंह की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और ऐसे में पवन सिंह की दावेदारी वापस लेने के बाद से राजनीतिक माहौल गर्माना लाजमी है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर ही पवन सिंह ने अपना नाम वापस लिया है। पार्टी पवन सिंह को कहीं और से चुनाव लड़ाना चाहती है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।